जेल से क्या दिल्ली की सरकार चलेगी, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है, एक बार यह भी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर संविधान विशेषज्ञों का रुख करें। चलाने के लिए मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर नया? पार्टी का निर्णय क्या है, मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, जेल से सरकार चला। क्या आज तक जेल से कोई सरकार चली है? क्या आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया? सरकार कैसे चलेगी क्योंकि अनुमति एलजी से लेनी पड़ेगी, एलजी से कैसे आपके रिश्ते किसी छुपे हुए नहीं है? एलजी कौन होते हैं अनुमति देने वाले? एलजी कोई प्रिंसिपल नहीं है हमारे स्कूल के। एलजी कानून से बंधे हुए हैं, जेल मैनुअल के लिए एलजी कानून से बंधे हुए हैं, कानून सबसे ऊपर है, एलजी और हम दोनों कानून के अंदर हैं। अगर मान लीजिए जेल होती है तो क्या सरकार जेल से चलेगी, क्या ऐसा होने वाला है? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं या फिर आगे कुछ और रहने वाले? अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। जेल से सरकार चलाएंगे, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने देखा और सुना जो लगातार ये बोल रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जेल से सरकार चलाने पर कैसे हमला बोला, यह आपको दिखाते हैं। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आदरणीय सुनीता जी, आप कहाँ थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहाँ थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहाँ बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से, किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। तो देखिए, ये तो बात हुई दिल्ली की सियासत की कि इस मसले को लेकर कैसे सियासत हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से, लेकिन जस्टिस सीबी पांडे आपकी बात बीच में ही कट गई थी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्या कानूनी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगते ही किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि आपने जिस दायित्व के निर्वाह करने के लिए शपथ लिया है, क्या वह दायित्व के निर्वाह जेल आप एक कैदी के रूप में जब पुलिस कस्टडी में रह के क्या निर्वाह कर सकते हैं? ये मैं कह रहा हूं। अगर वो निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको उस पद को छोड़ना ही तो पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। अब इस समय आप ईडी के कस्टडी में, कुछ भी काम आप ऐसा नहीं कर सकते जिसकी अनुमति ईडी ने नहीं दिया। ईडी कभी अनुमति, उसके पास ऐसा पावर नहीं, लेकिन है। सर, ये नैतिकता की बात नहीं हो गई, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है पांडे जी, नैतिकता का तकाजा भी यही कहता है और इससे पहले ऐसे उदाहरण हमारे नेताओं ने पेश भी किए, लेकिन कानून तो उन्हें ये छूट देता है ना कि वो मुख्यमंत्री रहते हैं जेल से सरकार चला सके। अरे अरे आप ये कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कानून की ही बात कर रहा हूँ, मैं नैतिकता की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, आप एक जज है, एक जज अदालत में नहीं बैठा है और वो कहीं बाथरूम में बैठा है तो क्या अपनी ड्यूटी का डिस्चार्ज कर लेगा? उसी तरह हर आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए एक नियम है, और जब तक वो ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे संवैधानिक पद पर कैसे बने रह सकते हैं? फिर उसको कोई मान्यता नहीं है, ये कोई सरकारी नौकरी का मामला नहीं है, एक संवैधानिक पद की शपथ लेके आप वहां बैठे हुए, अगर अपने आप दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते तो फिर ये अपने उस कानून के हिसाब से उस पद पर आप नहीं बने रह सकते हैं। और इसीलिए संविधान में व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई आदमी अपने कानूनों के दायित्व, संविधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता है चीफ मिनिस्टर, तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्राविधान है। अगर किसी भी देश प्रदेश में संवैधानिक नियमों से सरकार नहीं चल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। मानते हैं आप ऐसा? क्या मानते हैं? पांडे जी कि भाई कानून में, ये मैं मानता हूँ कानून में ये प्रावधान है, ऐसे कैसे चला सकते हैं जेल के अंदर से सरकार? देखिए पांडे साहब जो कह रहे हैं, पांडे देखिए
आपकी बात ज्यादा कर रहे हैं। आपको दो बातें समझ में, पहली बात तो ये कि जेल मैनुअल में भी ये प्रोविजन है कि आप चाहें तो किसी गेस्ट हाउस को या उसके घर को भी आप टेम्पररी जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि जब क्या नाम है इनको रिमांड पर दिया गया है उस टाइम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक कहा है कि आधा घंटे आप अपने परिवार आदि से मिल सकते हैं, तो यदि उस आधा घंटे में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कहां बार है कि वो उसको 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 कोई मना कर सकता है। तीसरी बात, आज की डेट पे वो सिर्फ पुलिस रिमांड पे हैं, वो इवन जुडिशियल नहीं। लेकिन देखिए कौशिक साहब, जो पेचीदगियां हैं जिसका जिक्र हो रहा है कि 28 लेकिन कौशिक साहब जो पेचीदगियां आपने, ठीक है आधे घंटे की आपने बात कही जिससे परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन फाइल को साइन करना, डे टू डे जो कामकाज होता है, बैठक बुलाना, बैठ के करना, वो सब तो संभव नहीं हो पाएगा ना जेल से। देखिए आपके सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब देता हूं कि ये एज्यूम करके चले कि 28 तारीख को उनका रिमांड खत्म हो जाएगा, वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद यदि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहे कि किसी गेस्ट हाउस को टेम्पररी जेल में कन्वर्ट कर दे या उनके घर को कन्वर्ट कर दे, तो ये कहां बार है? जब आपने कन्वर्ट कर दिया और आप वर्चुअल पे आप अपनी कैबिनेट मीटिंग करते हैं, तो आखिर ये कहां बार है, ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। आपके हिसाब से कानून नहीं रोकता, लेकिन राजेश जोशी जी, यहां पर बात उस आम आदमी पार्टी की हो रही है जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ, जिसके नेता लगातार ये कहते रहे कि भाई आरोप लगे और बड़े बड़े नेताओं को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए और जांच में शामिल होना चाहिए। क्या मैसेज देने की कोशिश है और दिल्ली की जनता के बीच क्या मैसेज पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वो आप भारतीय राजनीति के सचिव की बात कर रहे हैं, जब लाल कृष्ण आडवाणी पर आरोप लगा था कि उन्होंने हवाला के जरिए रिश्वत ली थी, सिर्फ आरोप लगा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कहा था कि जब तक मेरा नाम साफ नहीं होगा मैं उसमें नहीं जाऊंगा संसद में, और उनके अलावा दूसरे राजनीति के भी थे, वो एक अलग एरा था। आज ये डाल और तू डाल में पास ये राजनीति नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में चल रही है। अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष का इतना बड़ा गैप है उसकी जगह अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं और वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सरकार चलाऊंगा। जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, इस मुझे मेरे पास अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को पता चल गया था गिरफ्तार होने वाले हैं, उन्होंने पूरा। अच्छा राजेश जोशी जी, क्या ये भी नजर आता है क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है, कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, अगर कोई ऐसा कदम होता, इस्तीफा देते हैं तो वो नहीं दिखाना चाहते खुद को कल्प्रिट के तौर पर, बहुत शॉर्ट में? देखिए, कल्प्रिट के तौर पर इस्तीफा देने का मतलब वो है, वो तो मानते ही नहीं है ना कि उन्होंने कुछ घोटाला किया है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी का और ईडी का आरोप है। सवाल ये कि क्या जेल से चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे? अगर सरकार चाहेगी अड़ंगा डालना जेल के एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन ये सिंबॉलिक सरकार चलाएंगे वो वस्तु। और ये बयान लगातार हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हालांकि बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है।